मेनका गांधी ने करवाया अल्पेश यादव का स्टिंग ऑपरेशन। बीजेपी सांसद के एनजीओ ने खोल दिए अल्पेश के सारे राज। अल्पेश यादव के लिए इस तरह बिछाया गया था जाल, एक फोन कॉल से फंसे अल्पेश यादव। सिस्टम के नाम से फेमस अल्पेश यादव अपने ऊपर लगे आरोपों को भले साफ झुटला रहे हो, लेकिन बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने अल्पेश यादव की सारी पोल खोल कर रख दी है। यहाँ तक कि वो मेनका गांधी ही है जिनके बिछाए हुए जाल में अल्पेश यादव पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। जी हाँ, अल्पेश यादव इस वक्त मीडिया हेडलाइंस बन गए हैं, उनके ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पूरा मामला एक फोन कॉल से शुरू हुआ था, जो मेनका गांधी के एनजीओ ने ही करा था और उसी के बेसिस पर अल्पेश पर एफआईआर हुई है। तो चलिए पहले आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। दरअसल रेव पार्टी और सांप तस्करी के मामले में केस दर्ज हुआ और मेनका गांधी ने अल्पेश यादव को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने सभी को सकते में डाल दिया है। बीजेपी सांसद मेनका गांधी से लेकर स्वाति मालीवाल तक ने अल्पेश पर निशाना साधा है। बताया जा रहा है कि मेनका गांधी से जुड़ी संस्था पीपल फॉर एनिमल्स ने कस्टमर बनकर आरोपियों के इस जाल का खुलासा किया, जिसके बाद बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने अल्पेश की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। उन्होंने कहा, ये सांपों को बेचते हैं और सांप का वेनम बिकवाते हैं ड्रग्स के तौर पर। फिर हम लोगों ने कॉन्टेक्ट किया उन्हीं गिरोह के लोगों को, उन्होंने भी नाम लिया इसी यादव का, और फिर हम लोगों ने बात की उनसे और एक कहा कि हम रेव पार्टी बना रहे हैं, उसमें हम चाहिए कि आप लोग अपना ये ले आए। उन्होंने पहले परख लिया, ये नहीं कि अपने आप आए अंधे, पहले देखा कि ये सही है कि वो पकड़े जाएंगे कि नहीं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि क्रिमिनल काम कर रहे हैं। उसके बाद ये आए, तब तक हम लोगों ने पुलिस को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुलाया और सबके सामने ये पकड़े गए। इसमें 11 सांप मिले, पाइथन्स और कोबरास और स्नेक वेनम भी मिला है। इन सबको तो जेल जाना चाहिए, और जो इन गिरोह का जो सब लोग कह रहे हैं मालिक है, इसको भी तो जेल जाना चाहिए। अब ये इस वक्त फरार है, लेकिन इसको पुलिस पकड़ना चाहिए नोएडा के। तो वहीं स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, अभी खबरों में देखा कि यूट्यूबर अल्पेश यादव पर एफआईआर हुई है। आरोप है कि अल्पेश यादव रेव पार्टी करवाता है जिसमें नशे के लिए सांप का जहर इस्तेमाल होता है। इस आदमी को हरियाणा के सीएम मंच से प्रमोट करते हैं। एक तरफ साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जैसे टैलेंटेड सड़कों पर दंडे खाते हैं और हरियाणा सरकार ऐसे लोगों को प्रमोट करती है। इसकी वीडियो में आपको लड़कियों पर अश्लील टिप्पणियां मिलेंगी, गाली गलौज दिखेंगी। वोट के लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं। बिग बॉस विजेता अल्पेश यादव पर एफआईआर क्लबों और पार्टियों में सांपों की बाइट प्रोवाइड कराने के गंभीर आरोप है। पीएफए टीम ने कोबरा सांप और सांपों का जहर बरामद किया है। एफआईआर में मुख्य आरोपी अल्पेश यादव है। सेक्टर 49 थाने में अल्पेश समेत 5 पर एफआईआर दर्ज हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।